मुझे जिगड़ा मूवी पर्सनली अच्छी लगी, मतलब मैंने मेरे दोस्तों को भी कहा था कि दिस इज द मूवी जो कि ज्यादा नहीं चलेगी, मुझे पता है ज्यादा नहीं चलेगी, बट दिस विल बी रियली अ मास्टरपीस। मतलब जो गुड पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा, मूवी का जो इमोशंस है, मतलब जो इमोशंस कन्वे करना चाहती है मूवी, दिस आर रियली गुड। तो थोड़ा बहुत अगर मैं समरी सम अप करना चाहूँ कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था, उसका एक भाई रहता है, वो बाहर के कंट्री में जाता है, बाहर के कंट्री में एक ड्रग केस में फंस जाता है, और ड्रग केस में फंसने के बाद उसकी जो गवर्नमेंट रहती है उसे देती है मौत की सजा। अब क्या वो सच में ड्रग केस में फंसा था, मतलब इस चीज से लीगल केस, मतलब वो सच में फंसा था, सच में कुछ कर रहा था, या फिर उसे झूठ मूठ का फंसाया गया? तो आलिया भट्ट इसी को प्रूव करती है और अपने भाई को बचाने जाती है उसी कंट्री में, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। मतलब क्या करती है, कैसा होता है उनका भाई बहन का जो रिलेशनशिप रहता है, जो एक इमोशंस रहता है कि दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्या वो सच में मर जाएगा, क्या आलिया भट्ट उसको बचा पाएगी, तो ये सब चीजें आपको फील करने के लिए और जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जिगड़ा इन योर नियरेस्ट थिएटर्स। तो मुझे तो पर्सनली मूवी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इसका जो एक्शन सीक्वेंसेस था ना, मुझे वो भी बहुत पसंद आया। मतलब जो क्लाइमेक्स का एक्शन सीक्वेंस था, रियली गुड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, क्योंकि जब भी ट्रेलर आया था ना, मुझे ट्रेलर पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि ट्रेलर का जो एडिटर था ना, बहुत ही ज्यादा गंदा एडिट किया था। लाइक अगर तुम किसी ट्रेलर में एक मतलब मनी शॉट डाल रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ऑडियंस टू लाइक क्लैप फॉर इट, राइट, तुम उसमें स्लो मोशन का शॉट नहीं डालोगे, या फिर भागने का स्लो मोशन नहीं दोगे, भागने का स्लो मोशन या फिर भागने का स्लो मोशन रहता है, या फिर जो स्लो मोशन शॉट रहता है, दीस आर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर, नॉट टू बिल्ड अप ए कैरेक्टर, राइट। तुम बिल्डअप कर देते हो तब तुम उसके मनी शॉट डाल दो, क्योंकि ये मूवीज में अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे मूवी में ये वाला जो शॉट था ना, जो भागने का आया, बट स्लो फाइट जो करती है, स्लो मोशन में जो भागते हैं, रियली गुड, रियली फैंटास्टिक, बट ट्रेलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा था कि मूवी नहीं चली, क्योंकि इसका मार्केटिंग भी बहुत ही कम हुआ। बट अगर आप मेरा ये रिव्यू देखते हो और मेरे ओपिनियन पे भरोसा करना चाहते हो एंड आप आलिया भट्ट के फैन हो, तो जस्ट गो एंड वॉच जिगरा। मतलब आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस, बैंग, मतलब आई कैन लिटरली सी हर ग्रोथ। कहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर पे थी आलिया भट्ट, देन गंगूबाई, फिर रियली गुड आलिया भट्ट, रियली गुड, रियली लव, रियली अप्रिशिएट योर वर्क। एंड मुझे तो मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को मूवी कैसा लगा, अगर आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो गो एंड डेफिनेटली वॉच इट, गिव इट अ ट्राई, बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ऐसी और मूवी रिव्यूज चाहिए मेरे चैनल पर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज, कि कुछ भी हो, खराब हो, अच्छा हो, मैं सब कुछ ऑनेस्टली बता दूंगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, 3D_DUI_, और तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।